हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नर्सिंग के। आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। गुजरात में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। ये वीडियो है जो जितने भी स्टेज की स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक आप सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैक्वेन साइन सीन इन, मैक्वेन साइन कौन से डिजीज में दिखाई देता है। मैक्वेन साइन आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रिकेट्स, हाइड्रोसिफेलस, मेनिनजाइटिस, टिटेनस। तो मैक्वेन साइन कौन से डिजीज में दिखाई देता है, तो मैक्वेन साइन हाइड्रोसिफेलस में दिखाई देता है। हाइड्रोसिफेलस में के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हाइड्रोसिफेलस में जो हमारा जो ब्रेन है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसकी वजह से उसकी साइज बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं उसके रेशनल के बारे में। तो मैक्वेन साइन असाइंड टू डिफेक्ट हाइड्रोसिफेलस एंड ब्रेन एप्सिस। जो मैक्वेन साइन है वो हाइड्रोसिफेलस और ब्रेन एप्सिस दोनों में दिखाई देता है। क्या होता है उसमें, परकसन टू टैपिंग ऑन स्कल एट अ पर्टिकुलर स्पॉट, कहाँ पर दिखाई देता है, तो नियर बाय द जंक्शन ऑफ द फ्रंटल टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन। फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन के जंक्शन के पास वह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी सीन इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में कौन सी क्रोमोसोमलिटी दिखाई देती है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दी गए हैं, ऑप्शन ए ट्राइसोमी 21, ऑप्शन बी ट्राइसोमी 18, ऑप्शन सी XXY सिंड्रोम, ऑप्शन डी ट्राइसोमी 13। तो आपको मैं पहले तो ट्राइसोमी के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ट्राइसोमी हम किसे बोलते हैं, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज अ कॉल्ड ट्राइसोमी। तो क्रोमोसोम में नॉर्मली उसमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एड हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम में जो 21 क्रोमोसोम है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसमें ट्राइसोमी होती है। और एडवर्ड सिंड्रोम है उसमें जो 18 क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। ये दोनों क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इसके आपको ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ट्राइसोमी 21 आपका ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन TOF। इनमें से कौन सी डिफेक्ट TOF में इंक्लूड नहीं होती है। फर्स्ट तो हमें TOF का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। TOF इज अ टेट्रालॉजी ऑफ पेलेट। टेट्रालॉजी ऑफ पेलेट कंजेनेटल हार्ट डिफेक्ट है, वो चाइल्ड जो बच्चे को जो है हार्ट की डिफेक्ट होती है उनमें से आपको यहाँ पर दिख रही है। इसमें फोर टाइप की डिफेक्ट होती है। फर्स्ट तो यहाँ पर आपको दिख रही है वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवर रीडिंग ऑफ आयोटा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। आपको यहाँ पर फोर टाइप की डिफेक्ट दिख रही है, इनमें से कौन सी डिफेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है आपको ये पूछा है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी दिखाई देती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस भी दिखाई देती है, ओवर रीडिंग ऑफ आयोटा भी दिखाई देती है। हमें यहाँ पर पैटर्न डक्टस एट्रियोसिस यहाँ पर नहीं दिखाई देती, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PDA यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सोवायरस इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर। मैक्सोवायरस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए डिप्टेरिया, ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन सी टिटेनिस, ऑप्शन डी मम्स। तो मैक्सोवायरस है वो मम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटी हेमोलाइटिक एनीमिया। इनमें से कौन सा हेरिडिटी हेमोलाइटिक एनीमिया है। ऑप्शन ए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ऑप्शन बी ऑब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन सी विटामिन B12 डिफिशियंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में लिखे गए हैं वो सारे एनीमिया के टाइप है, उनमें से हमें हेरिडिटी हेमोलाइटिक एनीमिया का टाइप है वो हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो उसका जो आंसर क्या होगा, हेरिडिटिक हेमोलाइटिक एनीमिया है वो है ऑब्लास्टिक एनीमिया। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। ऑब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे जो बोन मेरो है उनमें RBC का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, उन RBC का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं ऑब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेडी हैड एन अबॉर्शन ड्यूरिंग 6 weeks ऑफ जेस्टेशन। द डेवलपमेंटल स्टेट ऑफ कंसेप्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज अ नॉन एज।
ऑप्शन ए एम्ब्रियो, ऑप्शन बी फीटस, ऑप्शन सी जाइगोट, ऑप्शन डी ब्लास्टोसाइट। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा कौन सा राइट होगा, एम्ब्रियो राइट होगा। तो 0 से 2 वीक तक क्या बोलते हैं, 0 से 2 वीक तक उसको बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। 2 से 8 वीक तक क्या बोलते हैं, 2 से 8 वीक तक हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं। और 8 से 40 वीक तक हम उसको क्या बोलते हैं, 8 से 40 वीक तक उसको बोलते हैं फीटस। तो आपको जो 6 वीक से वो 2 से 8 वीक के अंदर आया तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटोजोआ इज अ वायबल फॉर अ पीरियड ऑफ, ऑप्शन ए 12 to 24 आवर्स, ऑप्शन बी 48 से 72 आवर्स, ऑप्शन सी 24 से 50 आवर्स, ऑप्शन डी अप टू 5 डेज। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा बी ऑप्शन राइट होगा 48 से 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी हैज हाउ मेनी परसेंट इन वाटर इन ह्यूमन बॉडी। आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो वाटर है उसका परसेंटेज कितना होता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में वाटर का परसेंटेज है वो 70% हमारे ह्यूमन बॉडी में वाटर होता है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल अपलाइकल कॉर्ड कंटेन, नॉर्मल अपलाइकल कॉर्ड में क्या होता है, 1 artery and 2 vein, 1 artery and 1 vein, 1 vein and 2 artery, 2 vein and 2 artery। तो मैं यहाँ पर आपको अम्ब्लिकल कॉर्ड की इमेज दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रही है अम्ब्लिकल कॉर्ड, आपको यहाँ पर 2 artery दिखाई दे रही है, ये पहली आर्टरी दूसरी आर्टरी, और यहाँ पर एक वेन दिखाई दे रही है। तो क्या होता है, 2 artery and 1 vein। तो आपको कौन सा आंसर राइट है, आपको आंसर यहाँ पर सी राइट है, 2 artery and 1 vein। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECT प्रोसीजर इज अ फर्स्ट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस इन ECT। ECT का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी। हमने फर्स्ट टाइम साइकोसिस पेशेंट के अंदर कब यूज़ की थी, तो फर्स्ट ऑप्शन है 1930, 1938, 1940 एंड 1942। तो आपका राइट आंसर है 1938 में हमने फर्स्ट टाइम ECT यूज़ की थी साइकोसिस पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमोफोबिया मीन्स फियर ऑफ साउंड, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ स्पीड, फियर ऑफ डार्कनेस। तो गेमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैरिज। गेमोफोबिया में जो पेशेंट है उसको मैरिज से फियर डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन गिवन टू द पेशेंट वजेनल एग्जामिनेशन। पेशेंट को वजेनल एग्जामिनेशन के लिए हम कौन सी पोजिशन देते हैं या यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है लिथियोटोमी पोजिशंस, ऑप्शन बी है सुपाइन पोजिशंस, ऑप्शन सी है लेफ्ट लेटरल पोजिशंस, ऑप्शन डी है फाउलर पोजिशन। तो आपका राइट आंसर होगा लिथियोटोमी पोजिशन, आपका राइट आंसर ए यहाँ पर राइट होगा। साइको एनालिटिक थियरी इज अ प्रपोज्ड बाय, साइको एनालिटिक थियरी किसने प्रपोज की थी, सिग्मोइड फ्रॉड ने। यहाँ पर साइको एनालिटिक थियरी है वो प्रपोज की थी सिग्मोइड फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीप वॉकिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, स्लीप वॉकिंग को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए सोमनाबोलिजम्स, ऑप्शन बी इंसोमिनिया, ऑप्शन सी एनरिजम्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। स्लीप वॉकिंग को हम बोलते हैं सोमनाबोलिज्म, आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट है सोमनाबोलिज्म उसको बोलते हैं। कॉकिक स्पॉट आर द डायग्नोसिस सीन ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। कॉकिक स्पॉट है कौन से डिजीज में हमें दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए रुबेला, ऑप्शन बी वोपिंग कफ, ऑप्शन सी मिजल्स, ऑप्शन डी मम्स। तो कॉकिक स्पॉट है वो हमें मिजल्स में दिखाई देते हैं। आपको यहाँ पर मैं उसकी पिक्चर भी दिखाई देता हूँ, कॉकिक स्पॉट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इसको हम कॉकिक स्पॉट बोलते हैं। इसको आपको यहाँ पर दिख रहे हैं दो तरफ, इसको कॉकिक स्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूड इन WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उनमें से कौन सा डायमेंशन इस ऑप्शन में दिया गया नहीं है। आपको वो नहीं वाला है, नहीं डायमेंशन नहीं है वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। फिजिकल वेलबींग, ऑक्यूपेशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। तो इसमें कौन सा डायमेंशन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल वेलबींग वाला डायमेंशन नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी राइट होगा। यूनिसेफ वॉज इस्टाब्लिश्ड इन विच ईयर।
यूनिसेफ है वो किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? 1946 में यूनिसेफ यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, 1946 में। डेंगू फीवर इज अ कॉज्ड बाय विच मॉस्किटो? डेंगू फीवर कौन से मच्छर से होता है? एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मेल एनोफिलिस मॉस्किटो या क्विलस मॉस्किटो? तो जो डेंगू फीवर है वो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के कारण होता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसके कारण से मलेरिया होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। द बेस्ट पैरामीटर ऑफ असेसमेंट ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, तो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के असेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर कौन सा है? तो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के असेसमेंट में सबसे बेस्ट पैरामीटर है वेट फॉर एज।